हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये आज की हमारी जॉब है सैमसंग की 46 इंचेस की एलईडी टीवी है। मॉडल नंबर है इसका UA46F5000AR। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये देख रहे हैं आप के ग्रीन शेड्स आ रहे हैं। सेट मैंने खोल लिया है और बैक कवर इसका ओपन हो चुका है और उल्टा रखा हुआ है सेट। चैनल में चेंज कर रहा हूँ, इस पर भी देखें ग्रीन शेड्स आ रहे हैं तमाम चैनल पर तकरीबन। अब ये आप पहले फॉल्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजी मेथड है, कोई भी इसमें आपकी कॉस्ट नहीं आएगी और सेट आपका ओके हो जाएगा। फॉल्ट को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, तो अब आते हैं वर्किंग की तरफ। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसका टिकॉन बोर्ड है और टिकॉन बोर्ड में इसके ये दो डायोड्स लगे हुए हैं 8 लेग्स वाले, जो ये LVDS केबल के नीचे लगे हुए हैं। इन दो डायोड्स को आपने ओपन कर देना है। ये कलर मिक्सिंग में ही काम करते हैं और इनमें कोई एरर आ जाए तो या तो ग्रीन शेड्स आएंगे या रेड आएंगे या ब्लू आएंगे। तो इसको ओपन करने से आपका कार्ड ओके हो जाएगा और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इसके ना लगने से। आप अच्छी तरह देख लें, प्रोसेसर के ऊपर दो डायोड्स लगे हुए हैं, छोटी छोटी ICs हैं, SMD 8 लेग्स उसकी पिन्स हैं। इसको आपने ओपन कर देना है। तो अब मैं इसको हॉट गन से ओपन करूंगा और फिर आप लोगों को डिस्प्ले चेक करवाता हूं। जी दोस्तों, ये मैंने हॉट गन से ओपन कर दिए हैं, आप भी काइंडली हॉट गन से ही कीजिएगा। ये देखें दोनों डायोड मैंने इसके अनसोल्ड कर दिए हैं और अब आपको सिर्फ प्रिंट नज़र आ रहे होंगे। काइंडली इसको आप आयरन से निकालने की ट्राई मत कीजिएगा, ये प्रिंट आपके सारे ख़राब हो जाएंगे। बहुत ही फाइन प्रिंट्स होते हैं, आयरन से नहीं निकलते। ये हॉट गन से ईजीली दोनों डायोड आपके ओपन हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाता हूँ, पहले आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए। जी फ्रेंड्स, सेट मैंने ऑन कर दिया है, टिकॉन बोर्ड की तीनों इंडिकेशंस इनेबल हो गए हैं और अब आप इसका डिस्प्ले देख लीजिए। दोस्तों, और भी कोई फॉल्ट हो, आपका कन्फ्यूजन आ रही हो किसी नुक्स को दूर करने में, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। ये देखें दोस्तों, इसका डिस्प्ले बिल्कुल ओके हो चुका है और सेट हमारा 100% ओके है और डायोड निकलने से हमारा नुक्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू।